हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर और मेरे साथ है अभिषेक। दोस्तों, आईपीएल चल रहा है तो घर बैठकर अपनी पसंद के प्लेयर्स की टीम बनाइए। बल्लेबाजी.com ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर फेवरेट टीम बनाकर घर बैठकर जीतिए लाखों करोड़ों रुपए। बात करते हैं आज की खबर की। देखिए, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक जबरदस्त मैच खेला गया जिसमें मुंबई इंडियंस ने 10 रनों से शानदार जीत हासिल करी। लेकिन उधर देखा जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ तो वो एक जीतते जीतते मैच को हार गई। अब हारने के पीछे क्या बड़े कारण हैं वो हमें बताएंगे अभिषेक। बिल्कुल आदिति, हार के पीछे के कई कारण हैं केकेआर के, क्योंकि केकेआर ने बड़ी शानदार खेल खेला। मैं इसमें दो राह कुछ नहीं है कहूंगा, लेकिन वो कुछ वजह रही, कुछ कमियां वो कर बैठे जिनकी वजह से उनको हार की सामना करना पड़ा। क्या वो कमियां थी वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की बड़ी शानदार रही, ये सभी को पता है। 72 रन की पार्टनरशिप की शुभमन गिल और नीतीश राणा ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई टीम। तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी शुरुआत के बाद टीम का खराब प्रदर्शन, राहुल त्रिपाठी, मॉर्गन रसेल, कार्तिक, गिनते चले जाइए बल्लेबाजों को, सबके सब फेल रहे। तो इस हार की सबसे बड़ी कारण यही रहा कि मध्यम क्रम फेल हो गया। जी, ये तो आपके हिसाब से पहला कारण था, लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो गेंदबाज आए थे, जब पावर प्ले चल रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं पावर प्ले उनका जो है वो फीका चला गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पावर प्ले तो नहीं, लेकिन 45 शुरुआत के 6 ओवर में 45 रन बनाए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हाँ, अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, थोड़ा स्लो रन रेट था ये तो बात है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद में रन नहीं बन पाए। बाद के रन खिलाड़ियों को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और ये समझना चाहिए था कि भैया उनकी भी जिम्मेदारी कुछ है। अगर ओपनिंग के बाद में, जब ओपनिंग आउट हुई थी, उसके बाद में अगर बल्लेबाज अच्छा खेलते तो शायद केकेआर इस मैच को आसानी से जीत सकती थी। ये बात सबसे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कप्तान इयान मॉर्गन की अगर मैं बात करूं तो एक अहम कड़ी है, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनका ना चलना और दिनेश कार्तिक का जो विकेट रहा है, दोनों का ही मैं कहूंगी दोनों का फ्लॉप शो एक बड़ा कारण है? बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बिल्कुल, अगर आपका कप्तान ना चले तो बड़ा कारण हो सकता है, ये बड़ा कारण है, क्योंकि कप्तान लीड करता है। आप मुंबई इंडियंस को ले लो, रोहित शर्मा ने बेशक रन स्लो बनाए, लेकिन रन तो बनाए, कम से कम आपका कप्तान आपके साथ खड़ा तो है, आपके खिलाड़ियों को ये पता तो है कि कप्तान आपको लीड कर रहा है। सूर्य कुमार यादव एक तरफ से रन बनाते चले गए, रोहित शर्मा खड़े रहे, उसी तरह से अगर मॉर्गन खड़े भी रहते तो उनके साथ में रन बनाने वाले बल्लेबाज आ जाते, लेकिन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक दोनों ही कप्तानी कर चुके हैं केकेआर के लिए। अगर दोनों का इस तरह का प्रदर्शन रहेगा तो केकेआर बड़ी मुश्किलों में फंस जाएगी। तो तीसरा जो हार का कारण मैं मानता हूं कि हकीकत में ही इन खिलाड़ियों का फेल रहना है। बिल्कुल, देखिए मॉर्गन ने जो है 7 गेंदों पे केवल 7 रन बनाए, वहीं दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो 11 रनों पर केवल 8 रन ही वो बना पाए। तो मुझे लगता है कि मॉर्गन और दिनेश कार्तिक दोनों का ही फ्लॉप शो एक बड़ा कारण रहा केकेआर की हार के लिए। चलते हैं चौथे कारण की तरफ। क्या लगता है कि इनकी हार का, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो हार हुई है मुंबई इंडियंस के हाथों, इसका चौथा बड़ा कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, वही मैं कहूंगा कि बल्लेबाजों पर ही हम ठीकरा फोड़ेंगे और तो हम क्या कहेंगे कि बल्लेबाजों ने खराब गेंदबाजी की, खराब बल्लेबाजी करी। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जो मानता हूं इसमें मैं कप्तान मॉर्गन की एक गलती मानता हूं, उन्हें आंद्रे रसेल को इतना नीचे नहीं खिलाना चाहिए। आपके पास अगर रसेल जैसा बल्लेबाज है तो आप उसको ऊपर खिलाइए यार। मुझे ऐसा लगता है कि जहां मॉर्गन खुद आए थे या शाकिब उल हसन आए थे वहां पर उन्हें मॉर्गन को भेजना चाहिए था। तो यहां पर मैं कप्तान मॉर्गन की एक गलती मानता हूं कि रसेल को इतना नीचे नहीं खिलाना चाहिए। उनका दिन था, वो 5 विकेट लेकर आए थे, अगर आप उन्हें बल्लेबाजी में एक मौका देते तो शायद वो अच्छा करते, क्योंकि आपने उनको मैदान पर तब उतारा जब टीम लगभग हार चुकी थी। ऐसे में वो क्या करते ये बताइए आप उनको अगर 15 20 25 30 गेंदे देते खेलने के लिए तो उनके अंदर काबिलियत है, वो मैच का रुख पलट सकते थे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि डेथ ओवर्स चल रहे थे और डेथ ओवर्स में कोई भी प्लेयर ये कोशिश करेगा कि वो अपनी टीम को, वो अपनी मर्जी के शॉट्स खेले और टीम को जिता दे। आर्या पार का मैच ऊपर खिलाइए, मुझे लग रहा है कि ये मॉर्गन की एक कमी, ये कप्तानी में भी मैं मानता हूं। और देखिए रसेल को ऊपर खिलाइए भाई, रसेल जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा वो पूरी तरह से फ्री शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी
इसी चक्कर में वो हड़बड़ाहट के चक्कर में लास्ट के कुछ ओवर्स में अपना विकेट जो है ट्रेंट बोल्ट को दे बैठे। तो हमें लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर था वो उतना सही नहीं रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। और पांचवा बड़े कारण की हम बात कर लेते हैं, क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स की हार का पांचवा मैं कारण मानता हूँ शाकिब अल हसन का फेल होना। जी, शाकिब अल हसन एक बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, शाकिब अल हसन अगर बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सबसे सीनियर खिलाड़ी मैं मानता हूँ इस टीम का मॉर्गन के साथ में फिर शाकिब अल हसन, ये दो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं। अगर शाकिब अल हसन इस टीम के लिए योगदान नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ शाकिब अल हसन को टीम में शामिल किया गया है, अगर शाकिब अल हसन अपना रोल अदा नहीं करेंगे गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में, तो भैया बल्लेबाजी में चलना उनका बेहद जरूरी है, उनका कंट्रीब्यूट करना बेहद जरूरी है। देखिए, नए खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, लेकिन आपके पास तो तजर्बा है, आपको पता है मैच कैसे जीते जाते हैं, आपको पता है कि पारी को बिल्ड कैसे किया जाता है, आपको पता है कि कैसे हारे हुए मैच जीते जाते हैं, फिर भी आप आउट हो जाते हैं, बड़ा ही शर्मिंदगी वाली बात है। 9 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर आप आउट हो जाते हैं कुणाल पांड्या स्पिनर की गेंदबाजी पर। आप खुद एक स्पिनर हैं, आपको पता है कि पिच पर किस तरह से स्पिनर्स को खेला जाता है, आप एक अच्छा स्पिनर्स को खेलते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुणाल पांड्या पर आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजिमी है। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा कारण जो है शाकिब अल हसन का फेल होना भी रहा है। शाकिब अल हसन को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा अगर केकेआर को आगे ले जाना है। बिल्कुल, ये थे कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के पांच बड़े कारण। आप हमें बताइए आपके हिसाब से इस टीम के हार के क्या बड़े कारण रहे होंगे, कमेंट करके हमें बताइए। उसके अलावा क्योंकि आईपीएल चल रहा है, शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होता है, तो घर पर बैठे बैठे आप अपने फेवरेट प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं, उस टीम से घर बैठे बैठे आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बल्लेबाजी.com ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का मजेदार फीचर यह है कि अगर किसी वजह से फर्स्ट इनिंग में आप अपनी टीम नहीं बना पाते हैं, तो सेकेंड इनिंग में आप अपनी टीम बना सकते हैं, खेल सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।